on me. Koi hai? पे भी गोली मारी है, हाथ पे भी। ये बॉडी सबसे पहले किसने देखी थी? सर मैंने देखी थी। आज सुबह जब 9 बजे मैंने ऑफिस खोला तो देखा टोनी सर की लाश पड़ी है, तभी मैंने आपको फोन किया। आप? सर मैं रीटा, टोनी सर की सेक्रेटरी। ये टोनी इस कंपनी के अकेले मालिक थे या कोई और भी पार्टनर था? नहीं सर, अकेले ही मालिक थे टोनी। तो इनके बाद नेक्स्ट सीनियर ऑफिसर कौन है कंपनी का? सर रोहित। सर रोहित? जी सर, मैं ही इस कंपनी का सीईओ हूँ। किस किस चीज की कंपनी है ये? सर हम स्टॉक्स और सिक्योरिटीज में डील करते हैं। सर सर इनकी बेल्ट और जूते देखिए सर, इतने बड़े कंपनी के सीईओ ये पहन के आएंगे ऑफिस? तो रोहित जी क्या क्या चल रहा है आजकल शेयर का भाव? सर वो एक्चुअली सर आज मेरी नींद जरा देर से खुली तो मैं अखबार या इंटरनेट पर चेक नहीं कर पाया। अच्छा, तो आपकी कंपनी का कौन सा अच्छा स्टॉक है जो बढ़िया परफॉर्म कर रहा हो, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या नाम है उसका? सर वो याद नहीं आ रहा सर। तो आप लोग बताइए स्टॉक के बारे में, एक भी स्टॉक का नाम बताइए आप लोग। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे है? देखो सच सच बताओ वरना टोनी के मौत के जुर्म में सब लोग फंसोगे। सर सच में तो हम में से कोई भी यहाँ पे काम नहीं करता है। काम नहीं करता क्या मतलब? क्या है मतलब सर? सर हम सब लोग एक्टर्स हैं, फिल्मों में काम करना चाहते हैं। अरे मगर ये तो फाइनेंस कंपनी है, इसका फिल्मों से क्या लेना देना? सर फाइनेंस कंपनी तो सिर्फ नाम की है, यहाँ पर सर कोई काम नहीं करता। हम एक्टर को सिर्फ इसलिए रखा है ताकि हम यहाँ काम करने की एक्टिंग कर सके। मतलब यहाँ काम सिर्फ टोनी करता था और आप लोग एक्टिंग करते थे? एक्चुअली सर टोनी सर से मिलने दिन में बहुत सारे क्लाइंट्स आते थे, हमारा काम बस इतना होता था कि उन्हें दिखाना कि ऑफिस में बहुत काम हो रहा है। ये टोनी क्या काम करता था,
किस चीज की मीटिंग होती थी यहाँ पे? सर, उनकी जो भी मीटिंग्स होती थी वो उनके केबिन के अंदर होती थी। अब वो क्लाइंट्स के साथ क्या बातें करते थे वो हमें से किसी को नहीं पता सर। और कब से चल रहा है ये सर? सर पिछले 2 हफ्ते से। कमाल है, एक नकली कंपनी जहाँ पे नकली काम होता था उसके मालिक का खून हो जाता है, वो भी इतनी बेरहमी से। समझना पड़ेगा एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था। यहाँ पे टोनी को पहली गोली लगी है। अगर उसे गोली यहाँ लगी है तो वहां उसे भाग जाना चाहिए था। वो तो एग्जिट है, वो वापस ऑफिस के अंदर क्यों गया? शायद खूनी इस तरफ होगा, बचने के लिए इधर भागा होगा। ये हैंडल पे भी खून है, वहां से अंदर आया और फिर वहां पे लेके गया उसको जहां पे खून हुआ। ब्लड ट्रेल इधर भी है सर। ये यहां देखिए, इतना सारा खून, लगता है यहां पे छुप के बैठा होगा बचने के लिए। खून ही आया उसके बाद उसको वहां ले गया जहां पे उसकी मौत हो गई। सर वो पानी का बॉटल, सर पानी लग रहा है सर। है तो पानी, बॉटल में खून। बॉटल हाथ में थी या उससे मारा? यहाँ तो खून है नहीं, खून तो वहां है, तो इसका मतलब खून यहाँ पे है तो शायद ये बॉटल यही होगी। यहाँ पे छुपा होगा तो बॉटल हाथ में ली होगी बचने के लिए, यहाँ वहां जाते समय गिर गई। यहाँ पे भी खून, वहां से आए तो इस पे हाथ लगा और सर हाँ, यहाँ तो ब्लड ट्रेल है। यहाँ पे क्या कर रहा था? यहाँ पे पंजे का निशान है, यहाँ भी खून है, यहाँ भी पंजे का निशान है। कुछ पकड़ रहा था या फिर अरे क्या ठीक हो? हाँ सर। गन छुपा के रखी है अंदर, क्या इसी को ढूंढने आया होगा? लेकिन इसके पहले गन तक पहुंचता खून ही पहुंच गया इसके। अरे सर, ये ऑफिस में उसने गन क्यों छुपा के रखी? ऑब्वियसली उसकी जान को खतरा होगा, इतना गड़बड़ घोटाला करके रखा हुआ था यहाँ पे, एक्टर्स लोगों को हायर करके रखा था, पता नहीं कितने दुश्मन होंगे इसके। ये डायरी भी, कुछ कोड जैसे लग रहा है ना सर। कोड वर्ड में लिखा है और डायरी को छुपा के रखा था, जरूर इसका टोनी के मौत के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। ये इसका बॉडी स्कैन चेक किया तुमने? ऐसा स्कैन देखा मैंने, बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ इसके एब्डोमेन में मुझे कुछ अजीब सी गोल गोल सी चीज नजर आ रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। चलो देखें क्या। ये देखिए सर, ये जो गोल गोल सी चीज है ना तारिका, ये मेटालिक चीज है कोई, समथिंग मेटालिक। मेटालिक लाइक कॉइन जैसी? एब्सोल्युटली। लेकिन ये इसके एब्डोमेन में आई कैसे? ये काम करते हैं, इसके पोस्टमार्टम से ही पता लगेगा आखिर ये चीज है क्या। यस सर। ओके
टोनी के पेट में से ये 5 सिक्के निकले? बस मैंने इन सिक्कों के बारे में पता लगाया, ये सिक्के किसी भी देश की ऑफिशियल करेंसी नहीं है। मगर सर, कोई अपनी मर्जी से ये सिक्के क्यों खाएगा? शायद खूनी ने टॉर्चर करने के इरादे से टोनी को मजबूर किया होगा ये सिक्के निकलने के लिए। कोई ना कोई कनेक्शन तो है इस सिक्कों का इस केस के साथ। जो टोनी के नकली एम्प्लॉयज हैं, इनसे पूछते हैं। तो बताइए, आप में से किसने ये कॉइन्स देखे टोनी के पास? नहीं सर, किसी ने नहीं। दरियाद कीजिए, जोर डालिए अपने दिमाग पर, बताइए। टोनी का खून किसने किया? आप दोनों कौन? मैं दीनानाथ और ये शेखर। मैंने यहाँ फोन किया था, ऑफिस जाकर पता चला कि टोनी का खून हो गया। आप लोग कैसे जानते हैं टोनी को? मैं उससे सेट कॉइंस खरीदता था। सेट कॉइंस? ये है क्या एग्जैक्टली? सेट कॉइन एक ऑनलाइन करेंसी है। इसका व्यापार ऑनलाइन यानी इंटरनेट पे होता है। जैसे गोल्ड में और शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, वैसे इसमें भी करते हैं। बस अंतर यह है कि ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, गोल्ड कॉइन की तरह, है ना? नहीं सर, होता है ना, जैसे गोल्ड कॉइन होता है ना, वैसे ये कॉइन भी बाजार में मिलता है। टोनी उन चुनिंदा लोगों में से था जो इनका व्यापार करता था। एक मिनट दीनानाथ जी, क्या ऐसी कॉइन्स आपने खरीदी थी टोनी से? हाँ सर, मैंने ऐसे ही 10 कॉइन्स खरीदे थे और एक कॉइन की कीमत 3 लाख रुपए थी। ये देखिए। माय गॉड, ये तो ठीक वैसे ही है सर। सर, आप लोगों को तो अंदाजा भी नहीं होगा कि ये कॉइन्स खरीद के कितने लोग करोड़पति बन चुके हैं। इनकी कीमत भी दुगनी हो चुकी है। मैं तो और भी खरीदना चाहता था, शेखर को बुलाया था ताकि ये भी इन्वेस्ट करे। दीनानाथ जी, आपके साथ धोखा हुआ है। जी हाँ, ये जो सेट कॉइन्स है ना, ये इंटरनेट करेंसी, ये सोने के सिक्कों की तरह बाजार में नहीं मिलती। आपके साथ झूठ बोला टोनी ने। सारे पैसे डूब गए, इन कॉइन्स की कोई कीमत नहीं रही। दीनानाथ जी, इस टोनी की जैसे 420 दुनिया में बहुत है जो खुद के फायदे के लिए आप जैसे लोगों को फंसाते हैं। काश अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आपने थोड़ी जांच पड़ताल की होती। अच्छा, वो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, वरना मैं भी लूट जाता। मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी, अपने प्रोविडेंट फंड्स के पैसे भी। सर, लगता है टोनी ने जानबूझ के थोड़े ज्यादा उम्र वालों को ही अपना निशाना बनाया है। मैं टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के बारे में ज्यादा जानकारी होती नहीं है। हाँ सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन जिन लोगों को टोनी ने धोखा दिया है उनमें से किसी ने टोनी का खून कर दिया? हो सकता है दया, बिल्कुल हो सकता है। टोनी के इस खूनी तक पहुंचने के लिए हमें पहले ये पता लगाना चाहिए कि टोनी ने कितने सारे लोगों को ये सेट कॉइंस को लेकर फंसाया है। और फिर ये भी जानना बहुत जरूरी है कि टोनी के पेट में ये सेट कॉइंस गए कैसे। सर, मैंने टोनी का पूरा इतिहास चेक किया। उसके पास कई नकली आईडी कार्ड्स थे, उस पर अलग अलग एड्रेसेस, अलग अलग फोन नंबर्स। सर, हमें तो ये भी नहीं पता है कि टोनी उसका असली नाम है भी या नहीं। और फिलहाल तो हमें ये भी नहीं पता सर कि ये सारे जुर्म उसने अकेले किए हैं या कोई पार्टनर भी है उसका। यानी जो कोड क्रैक हो जाए ना, वो कोड जो टोनी के ऑफिस वाले डायरी में मिला था, बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सर, एक कोड क्रैक करने वाले एक्सपर्ट को हमने कॉन्टेक्ट किया है, शायद बहुत जल्दी इसका हल निकाल लेगी वो। और ये जो टोनी का सारा ऑफिस स्टाफ आया था, ये जो एक्टर्स उसके ऑफिस में काम कर रहे थे, उनको कैसे पता चला इस टोनी के बारे में? सर, एक अशोक नाम का कास्टिंग डायरेक्टर है, उसी ने ये सारे एक्टर्स भेजे थे टोनी के ऑफिस में। बस तो मिल लो इस अशोक से, मिल लो। सर, कॉमेडी, रोमांस, हर इमोशन एकदम कूट कूट कर भरा है उसमें। क्या नहीं चलेगा? अच्छा ठीक है सर, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं भी भेजता हूँ। ठीक 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 है सर, ठीक। अरे अशोक जी, मेरी फोटो भेज दीजिए ना, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, सब में नंबर वन हूँ मैं। देखो भाई, तुम हीरो तो बन नहीं सकते, एक कॉमेडियन का रोल है,
करोगे? कमिट। और हाँ, तुम्हारे चेहरे में मुझे एक कशिश दिखती है। एक आर्ट फिल्म के लिए मेरी बात चल रही है, तुम एक काम करो, एक ऑडिशन दे दो उसके लिए। अच्छा, क्या रोल? रोल रोल क्या है? रोल एक पुलिस वाले का है। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। पुलिस वाले का रोल करने का तो बड़ा एक्सपीरियंस है मुझे। एक्सपीरियंस है पुलिस वाले के रोल का? अरे रोज ही पुलिस वाले का रोल करते हैं। आप ये देखिए, ये CID असली है क्या? असली है, और जिस जेल में तुझे लेके जाएंगे ना, वो भी असली है। जेल? अब बजी दिमाग की घंटी। नहीं, कौन है ये? कौन है ये? इसको एक्टर सप्लाई किए थे ना तूने, ऑफिस में काम करने की, एक्टिंग करने के लिए, भूल गया तू? सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देख, CID के सामने एक्टिंग करेगा ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुझे। ये 11 एक्टर भेजे थे ना तुमने टोनी के पास? हाँ याद आया, भेजा था मैंने, लेकिन सर काम करने की, एक्टिंग के लिए नहीं भेजे थे, बल्कि टोनी ने मुझसे ये कहा था कि वो एक शॉर्ट फिल्म बना रहा है और उसको कुछ स्ट्रगलिंग एक्टर चाहिए। जो एक्टर तूने भेजे थे ना, उसका इस्तेमाल करके उसने बहुत बड़े घपले किए हैं। सर ये बात मुझे कैसे पता चलेगी? सर पूरे 12 में से किसी भी एक्टर ने मुझे ये बात नहीं बताई। सर 12? सर उसकी ऑफिस में तो 11 लोग थे, ये 12वां कहां से आ गया? अच्छा, वो जो एक्टर भेजे थे उनकी लिस्ट दिखाना जरा। जी सर। ये नया नाम है ईशा कुमार, ये नहीं थी उस वक्त वहां पे, ये कहां गायब हो गई? सर इस केस में सवाल ज्यादा है, जवाब कम है, और वो कोर्ट भी क्रैक नहीं हुआ अभी तक। सर रीना जी, आपने हमें यहाँ टोनी के घर पे क्यों बुलाया, और वो उन कोड्स का हल निकाल पाई या नहीं? काफी टेढ़ा कोड है सर, बिना साइफर के हल निकाल पाना नामुमकिन है। साइफर? ये साइफर क्या होता है? साइफर कोई ऐसी किताब या डायरी होती है जिनके अंदर इन खुफिया कोड्स का राज छुपा होता है। फ्रेडी, जैसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ये चीजों के नाम को कोड्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे गन है उसे घोड़ा कहते हैं, और कौवा मतलब मोबाइल, तो ये सारे कोड्स एक साइफर में होते हैं। अगर ये साइफर मिल जाए तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सर मुझे लगता है टोनी इस साइफर को ऐसी जगह रखता होगा जहाँ से उसे वो आसानी से देख सकता हो या पढ़ सकता हो। लेकिन सर उसका ऑफिस तो अच्छी तरह से चेक किया था, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिला। तो हो सकता है टोनी के घर पे मिल जाए। ये देखिए सर, बड़ा अजीब सा निशान इस पेपर पर, शायद ये निशान इस कोड का कोई अहम हिस्सा है। तो इस निशान का राज यहीं कहीं होना चाहिए, घर का एक एक कोना चेक करते हैं। ठीक वैसा ही निशान है। सर यही तो साइफर है, ये देखिए इस पेज पर सिर्फ 7 सेंटेंसेस हैं, और इसके हर सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड को हम हाईलाइट करके देखते हैं। ये सीजर का क्या होता है? जूलियस सीजर का नाम तो सुना होगा ना? हाँ। लगता है उसके जमाने का कोई पुराना कोड है। तो यहाँ ये सीजर के आगे जी भी तो है। यही तो मालूम करना है कि कौन से सीजर साइफर का इस्तेमाल हुआ है। मान लो ए अगर जी है और बी अगर एच है, तो ए टू जेड
कुछ इस तरह दिखेगा। ये देखिए, ये हो गया। अब हम इसे फॉलो करके देखते हैं कि हमारा कोड का मतलब क्या है। और हमारा पहला कोड है SUNGTQASGX-10। अब हम इसे मैच करके देखते हैं, SMUONHAN। के पहले कोड का मतलब है मोहन कुमार 10। सर, इस मोहन कुमार नाम का तो कोई आदमी है ही नहीं इस केस में। अगर है ना तो ढूंढना पड़ेगा। ये बाकी के सारे जो कोड हैं उनको भी डिकोड करते हैं। प्लीज कुणाल, तुम समझने की कोशिश करो। मैं पंकज से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज तुम मेरे और पंकज के बीच कभी मत आना। सच? तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? कट कट कट, कौन हो आप लोग? बीच में आगे पूरा शॉट खराब कर दिए। एक मिनट, आप लोग शॉट बाद में लीजिएगा, हमें ईशा जी से कुछ बात करनी है। CID से? प्लीज चलिए आप लोग, प्लीज। ये फोटोग्राफ देखिए, टोनी, इसे पहचान दिया? इसका खून हो गया। क्या? मगर कैसे? ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, कैमरा ऑफ है। तुम बताओ कैसे खून हुआ इसका? मैं कैसे बता सकती हूँ आपको इसका खून कैसे हुआ? जिस वक्त इसका खून हुआ सारे नकली एम्प्लॉय उसके ऑफिस में थे सिवाय तुम्हारे। कहाँ थे तुम? नकली एम्प्लॉय? कौन से नकली एम्प्लॉय? सर ये आप लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्टोनी ने तुम लोगों को हायर किया था ना उसके ऑफिस में क्लर्क की एक्टिंग करने के लिए? उसने तो मुझे अपनी मंगेतर का रोल प्ले करने के लिए पैसे दिए थे, वो भी बस एक दिन के लिए। मंगेतर का? हाँ सर, उसके माँ बाबू जी आए थे उससे मिलने और वो उन्हें दिखाना चाहता था कि वो शादी करने वाला है और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। उसने तुमको तो बताया होगा ना अपने माँ बाप के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी? जी हाँ, बहुत कुछ बताया था ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए और मुझे याद रहे कब कौन से डायलॉग बोलने हैं। उसके माँ बाप के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, एक एक चीज सब हमें बताओ। थैंक यू सर। सर कोड्स डीकोड हो गए, हर कोड से एक नाम मिला है और नाम के आगे एक नंबर। जरूर ये वो लोग हैं जिनको टोनी ने सेट कॉइंस बेचे थे, और ये नाम के आगे जो नंबर है इसका मतलब है किसके पास कितने सेट कॉइंस हैं। जैसे ये मोहन ने ये 10 सेट कॉइंस खरीदे थे, चिराग 6, विजय कुमार 8, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब खूनी इनमें से ही कोई एक है? लगता तो ऐसे ही है। इन सारे बारातियों को ब्यूरो में बुलाओ सेट कॉइंस के साथ। सर मैंने टोनी को नहीं मारा, आपने मुझे बताया तब तो मुझे पता चला कि टोनी का मर्डर हो गया। कल रात तुम कहाँ थे? कल रात मेरे सर में दर्द था तो मैं कल रात 10 बजे ही सो गया था सर। अच्छा, और कौन है आपके घर में? मेरे घर में बस मैं हूँ सर, और मेरा एक बेटा है जो विदेश में नौकरी करता है। मैंने तो अपने रिटायरमेंट फंड के 15 लाख लगाए थे इसमें, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कैसे वापस मिलेंगे। गन रखते हो ना तुम? सर मेरी गहनों की दुकान है, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के लिए मुझे अपने पास गन रखनी पड़ती है सर। सर सब कुछ तो आपको बता चुका हूँ, अब मैं आपको और क्या बताऊँ? जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता हम तो सवाल पूछेंगे। इस डायरी में उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने उससे वो कॉइन्स खरीदी थी, सेट कॉइन। उन लोगों के नाम और जितने भी कॉइन्स खरीदे थे वो सब पूरा का पूरा रिकॉर्ड इसमें है। और इसमें जो जानकारी है उससे हम ये पता लगाएंगे कि आखिर आप लोगों में से वो खूनी कौन है। किसने कितने कॉइन खरीदे इससे ये कैसे पता चलेगा खूनी कौन है? आसान है,
खूनी ने अपने कुछ सिक्के गुस्से में आकर टोनी को निगलवा दिए। अब इस बही खाते के हिसाब से जिसके पास भी कम सिक्के निकलेंगे वही हमारा खूनी है। चलिए आप सब लोग अपने अपने सेट कॉइंस के सिक्के गिनती करवाइए। सर, सारे के सारे कॉइंस हैं, एक भी कम नहीं। कोई भी कम नहीं? ये कैसे हो सकता है? अब तो यकीन हो गया ना आप लोगों को कि हम निर्दोष हैं? अब ये क्या कहानी है सर? अगर ये सारे निर्दोष हैं तो फिर गुनेगार कौन है? ये तो अब टोनी के माता पिता ही बताएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारा बेटा नहीं मर सकता सर। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हमारा बेटा तो अपने ईमान का इतना पक्का था कि वो किसी का एक रुपया भी ना ले, और आप कह रहे हो उसने लोगों को ठगा है। मैं जानता हूँ ये किसी भी माँ बाप के लिए सुनना आसान नहीं है, पर क्या टोनी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? हाल फिलहाल में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? कैसा झगड़ा सर, वो तो इतना बिजी रहता था कि उसे हमसे मिलने का भी समय नहीं होता था। तीन तीन चार चार महीने बाद घर आता था वो। मिलने नहीं आता था? मतलब? मतलब कि उसने कहीं जगह पर अपनी ऑफिस खोल रखी थी। कहाँ और कहाँ पे ऑफिस था इसका? दिल्ली, पुणे। जिस जिस शहर में ये टोनी रहा है कुछ ना कुछ घपला तो जरूर किया होगा उसने। कुंडली निकालो इसके पिछली जिंदगी की। सर, सर दिल्ली और पुणे के पुलिस ऑफिसर्स वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पे। गुड। सर, इस स्केच को देखिए सर, टोनी से इसकी शक्ल मिलती है। इस आदमी के खिलाफ 2 साल पहले यहाँ दिल्ली में FIR दर्ज हुई थी। कई लोगों के साथ में चिट फंड में इसने घोटाला किया था, लेकिन सर इसका नाम टोनी नहीं बल्कि अमर है। सर यहाँ पर उसका नाम प्रशांत था। पिरामिड स्कीम के नाम पर उसने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए और कई लोगों के पैसे खा गए। बहुत लोगों ने उसके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज की है। सारे शहरों में यही कारनामा किया सर इसने। एक शहर से बेईमानी का पैसा इकट्ठा करके दूसरे शहर को रवाना हो गया किसी और को टोपी पहनाने। इसका मतलब है यार, इस टोनी के दुश्मन सिर्फ इसी शहर में नहीं बाकी शहरों में भी हैं, तो खूनी उन्हीं में से कोई हो सकता है। मतलब सर हर शहर से ऐसे लोगों की लिस्ट निकालनी पड़ेगी जिनके साथ धोखा हुआ है। सर यहाँ पर उसके खिलाफ कल्पेबल होमिसाइड की केस भी है। ये आलोक नाम के आदमी के उसने पैसे खा लिए थे, वो सदमा वो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाया इसलिए उसने सुसाइड किया। तो टोनी को मारने का सबसे बड़ा मोटिव तो आलोक के किसी करीबी के पास है, ना तो उसने सिर्फ पैसा खोया बल्कि अपने किसी करीबी को भी खोया है। आलोक, पुणे। आलोक की बीवी सरिता घर पे नहीं है सर? हाँ, गया। आज सुबह से नहीं है। आज के अभी पर दूध पंकज सर जाके जरा पड़ोसी से पूछताछ करो। एक्सक्यूज मी। जी जी, मैं ऑफिसर पंकज हूँ CID मुंबई से। हेलो सर, मैं पूनम। हेलो, ये सरिता यहाँ रहती है? ये हाँ, कहीं गई हुई है बाहर, आपको पता है? वो तो नहीं पता, क्यों कोई प्रॉब्लम हो गई है? इनके घर की कोई एक्स्ट्रा चाबी होगी आपके पास? सर हाँ, ये पूनम जी है, सरिता की नेबर।
जिस तरह से घर के अंदर ये सामान बिखरा पड़ा है, ऐसा लगता है कि कल रात यहाँ पे कुछ हुआ था। हुआ तो था जरूर दया, कुछ न कुछ तो हुआ था। ये देखो खून के निशान, ऐसे लग रहा है जैसे किसी को घसीट के यहाँ से ले जाया गया। सर कहीं किसी ने सरिता का किडनैप तो नहीं कर लिया? पूना? हाँ सर। सरिता को आखिरी बार कब देखा था तुमने? सर रात के 2 बजे जब मैं नाइट शिफ्ट से घर वापस आई, उस वक्त शायद सरिता जाग ही रही थी क्योंकि यहाँ पे टीवी चल रहा था। उसके घर के आसपास किसी को देखा, कोई आया हो उनसे मिलने के लिए? कुछ और तो नहीं, पर हाँ एक वाइट कलर की वैन थी जो घर के बाहर खड़ी थी, पर सुबह वो वहाँ नहीं थी। तू उस वैन को पहले भी कभी देखा था यहाँ आसपास? नहीं कभी नहीं। अच्छा उसका नंबर याद है, नोट किया था? नंबर तो नहीं नोट किया, मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा तुमने कुछ शोर शराबा या झगड़ा वगैरह सुना उस वक्त? हाँ आवाजें तो आ रही थी जोर जोर से, पर मुझे लगा कि शायद सरिता जाग रही है, टीवी देख रही है, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा पूनम ये जो तुमने लड़ाई झगड़े की आवाजें सुनी, कितने बजे थे? यही करीब 3 बज रहे होंगे। 3 बजे? तो सरिता का किडनैपिंग 3 बजे हुआ था, तो डेफिनेटली ये सरिता का किडनैपिंग और टोनी का मर्डर, इन दोनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है सर। 100% दया, कनेक्शन 100% है, पर इससे पहले कि सरिता को कुछ हो जाए उसे हमें बचाना होगा। और पंकज सर, ये व्हाइट वैन, सफेद वैन जो पूनम ने अभी अभी बताया, उस वैन की पूरी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। यही रास्ते से वो व्हाइट वैन क्रॉस हुई थी। ये रास्ता तो आगे हाईवे नंबर 15 से जाके मिलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किडनैपर्स इस सरिता को शहर से बाहर ले गए हो? सर नहीं सर, क्योंकि वो आगे जो टोल नाका है उसमें गाड़ी क्रॉस नहीं हुई है। तो फिर जरूर किडनैपर ने सरिता को टोल नाका और सिग्नल के बीच में कहीं छुपा के रखा। तो सर इस सिग्नल और टोल के बीच में कोई तो रास्ता होगा जो अंदर जाता है, और शायद किडनैपर्स का अड्डा वहीं कहीं आसपास होगा। हाँ चलो देखते हैं कोई रास्ता है क्या। सर ये एक रास्ता है जो अंदर जाता है, चलो चलो देखते हैं। सर वो पीछे, ये देखिए सर। सरिता सर अंदर कोई नहीं है। देखो सर लगता है खूनी गाड़ी लेके बाहर, मैं देखता हूं सर। एक एम्बुलेंस आ रही है। सरिता ये बताओ किसने किया ये सब? उसने मेरी आंखों में पट्टी बांध रखी थी इसलिए उसका चेहरा भी नहीं देख पाई मैं। नहीं सर निकल गया, गाड़ी का टायर पंचर करके गया वो। डैम इट। सरिता बताओ
क्यों किया होगा ये सब उसने? सर उसको मेरे पति आलोक का फाइनेंशियल रिकॉर्ड चाहिए था, पता नहीं क्यों। पर तुम्हारे पति आलोक अब इस दुनिया में नहीं रहे ना? हाँ सर, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि किसी फ्रॉड ने उन्हें धोखे से लाखों रुपए लूट लिए, पर वो पैसे भी उनके नहीं थे सर। उन्होंने किसी से कर्जा लिया था, पर कर्जा ना चुकाने की वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली सर। अब ये क्या चक्कर है सर, ये किडनैपर को आलोक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी? पंकज इस किडनैपर को दिलचस्पी इसलिए कि मुझे तो लगता है कि ये किडनैपर ये खूनी भी वही है जिसने आलोक को पैसे दिए थे। अब जैसे उसे पता चला कि आलोक इस दुनिया में नहीं रहा तो प्रॉब्लम आया पैसे वसूल किससे करे। उसे पता चला कि आलोक का सारा पैसा टोनी के पास है तो उसने टोनी को खत्म कर दिया, और फिर खुद पर इल्जाम ना आए सारे सबूत मिटाने के लिए उसने सरिता को फोन किया और उसे पूछा कि आलोक का सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड कहां पर है, कौन हो सकता है ये सरिता? सर एक काम कर सकती हो? हाँ सर। आलोक की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हमें दे सकती हो? माय गॉड यार, ये मुजरिम जो भी कोई है हमसे पहले यहां पहुंच गया और देखो लगता है सारे सबूत जलाकर राख करने की कोशिश की है उसने। बस सर उस कंप्यूटर के साथ कुछ करना दिया हो जिसमें आलोक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं। ओके देखो जरा कोई कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह मिलता है क्या? सर हाँ लैपटॉप मिल गया। वंडरफुल सर, आलोक फाइनेंशियल फाइल्स। गुड, अब इसकी फाइल ओपन करने की कोशिश करो, जरूर उसमें उसके कर्जदारों की लिस्ट मिलेगी हमें। खुल गया सर। इससे तो कई सारे लोगों से कर्जा लिया है सर, और सबसे ज्यादा कर्जा दिया है शेखर ने। शेखर भाई कहीं वही शेखर तो नहीं जो दीनानाथ के साथ हमसे मिलने आया था? मैं दीनानाथ, ये शेखर। हाँ सर वही है। तो विद्या इस शेखर का पिंजरे में जाने का वक्त आ गया। वो सफेद बहन तो मिल गई सर, पर शेखर का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। सर शेखर भले ही खून करके भाग गया हो लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फिर भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस केस में, पता नहीं क्यों लेकिन सही नहीं लग रहा है मुझे। क्या हुआ सर, आपको कुछ और लग रहा है क्या? अब जी जरा सोचो, ये सरिता का किडनैप होना, उसके बाद में हमें बड़े आसानी से वो सफेद वैन मिलना, लावारिस पड़ी हुई, उसके बाद में आलोक की फाइनेंशियल रिकॉर्ड जिसमें शेखर का भी नाम है वो भी बड़े आसानी से मिले हमें। हाँ सर, फाइनेंशियल रिकॉर्ड लैपटॉप के डेस्कटॉप पे था। यही तो मैं कह रहा हूँ दया, गड़बड़ है। हालांकि या ऐसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अलग से फोल्डर में होने चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होने चाहिए ना सर। लेकिन अगर हमें वो सुराग मिल रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना? नहीं पंकज, हमें सुराग मिल नहीं रहे हैं, सुराग हमें दिए जा रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, हमें गुमराह करने की कोशिश हो रही है। टोनी के बारे में आपको जो कुछ भी याद है जरा डिटेल में बताइए। बात करने में, लोगों को बड़े से बड़े सपने दिखाने में बहुत अच्छा था ये टोनी। ऐसे किसी से घुल मिल जाता था केवल दो मिनट में कि जैसे आपको लगे कि दुनिया में उससे अच्छा आपका कोई दोस्त है ही। और हाँ सर, आलीशान पार्टीज वगैरह रखी थी उसने अपने इन्वेस्टर्स के लिए। अब उन पार्टीज की तस्वीरें हैं आपके पास? सर पूर्वी ने ये फोटो भेजी है, सस्पेक्ट के घर से मिली है। अच्छा तो ये है वो इस पूरे खेल के पीछे, मतलब शेखर भी इसी के कब्जे में होगा सर। इसका फोन ट्रैक करो, शेखर की जान को खतरा है, शेखर को बचाना होगा। अब तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता शेखर, सीआईडी को सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ मिले हैं, अब तो ये ट्रिगर दबाकर तुझे बस मार डालूंगी और उन सबको लगेगा कि तू देश छोड़ के भाग गया। नहीं ऐसा मत करो प्लीज, मत मारो मुझे, मैं वाकई देश छोड़ के चले जाऊंगा, आपके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आई प्रॉमिस।
अरे शेखर, तुम समझ नहीं रहे हो, तुमने मेरा चेहरा देख लिया है। अब मैं तुम्हें छोड़ने की बेवकूफी तो करूंगी नहीं, इसलिए तुम्हें मरना पड़ेगा। मत मारो मुझे, प्लीज मत, कोई है? प्लीज बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, कोई है? मुझे मार क्या गया यार? चलो उठ, उठ। सर, मैं रीटा, टोनी सर की सेक्रेटरी। तुम्हारा चेहरा तो हमने भी देख लिया था, मिस रीटा। मैंने तो कोई सबूत, कोई गवाह, कुछ नहीं छोड़ा था। तो आपको कैसे पता चला? इस फोटो के जरिए। तुमने हमसे कहा था कि तुम टोनी को पिछले 2 हफ्ते से जानती हो, तो फिर 2 साल पुराने इस फोटो में तुम क्या कर रही हो? ये बहुत कुछ कह गया। अब बताओ, तुमने अपने बॉस टोनी को क्यों मारा? टोनी मेरा बॉस नहीं था, मैं टोनी की बॉस थी। लेकिन तुम तो उसकी सेक्रेटरी बनके घूम रही थी, वो क्या था? वो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था, दुनिया को दिखाने के लिए। असल में सारा दिमाग मेरा था इसमें। टोनी को तो मैंने सिर्फ आगे रखा था ताकि कभी कानून हम तक पहुंचे तो टोनी पकड़ा जाए। तो फिर टोनी का खून करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार ली? क्योंकि जब चींटी के पर निकल आते हैं तो उसके पंख काटने पड़ते हैं, और टोनी बहुत ही ज्यादा हवा में उड़ने लगा था, बहुत ही लापरवाह और ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। उसने दीना नाथ के साथ सेल्फी खींच के सोशल मीडिया पे डाल दी वो फोटो। तो तुम्हें डर लगा कि अगर वो फोटो सोशल मीडिया में चला गया तो जिन जिन शहरों में उसने 420 की है वहां कोई ना कोई उसे पहचान लेगा? हाँ। और उसके पेट में जो सिक्के थे वो सिक्के मैंने ही उसे निकलवाए थे ताकि आप लोगों को लगे कि खून किसी ऐसे आदमी ने किया है जिसके साथ टोनी ने बेईमानी की है। और इसलिए तुमने सारे सबूत शेखर के खिलाफ कर दिए ताकि हम उसे अपराधी समझे। न जाने कितनी जिंदगियों के साथ खेला है तुमने। देश भर में न सिर्फ लोगों के पैसे चुराए बल्कि उनकी खुशियां, सपने सब छीन लिए। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें इस जुर्म के लिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.